हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सुमित सर हर्षित एकेडमी आज का वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स यानी वर्नियर कैलिपर्स के जो आपको एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स पूछते हैं एग्जांपल्स पूछते हैं उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स मैं सॉल्व करने वाला हूँ और दूसरा इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स पे वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है मैथ्स में बहुत सारे वीडियोस मोर देन टू फिफ्टी वीडियोज़ भी अवेलेबल है सो आप वो भी देख सकते हैं और इंजीनियरिंग में कोई भी आपको डाउट होता है राइट मैथ्स में कोई भी डाउट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं उसका सॉल्यूशन पे एक और वीडियो में बनाऊंगा मेरा कांटेक्ट नंबर है नाइन फोर टू सेवन एट फाइव नाइन सेवन सिक्स नाइन मैथ्स में कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं उसका वीडियो मैं ज़रूर आपको बना के दूँगा right? तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम वर्न कैलिपर्स का लिस्ट ऑन फाइंड फाइंड करने का हम एग्जांपल देखेंगे क्योंकि मैंने देखा है जनरली एग्जाम में मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई भी आप यूनिवर्सिटी से हो पर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करने का एग्जाम्पल आपको पूछते हैं तो आइए फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं इन अ वर्नियर Calipers ten divisions of its vernier scale are equal to nine divisions. ऑफ इट्स मेन स्केल कैलक्यूलेट इट्स लिस्ट काउंट राइट सो ये एग्जाम्पल हम पहले सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दू वैसे तो दो वीडियोस मैंने फिज़िक्स पे बनाए हुए हैं वो भी वर्नियर कैलीपर पे जैसे कि उसका वर्नियर कैलीपर का फंक्शन पूरा डायग्राम के साथ वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे और दूसरा पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर और ज़ीरो एरर जो वर्नियर कैलीपर्स में होते हैं उसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है तो आप वो भी देख लीजिएगा उसके बाद ये एग्ज़ाम्पल आप समझेंगे तो आपको बहुत ही आसान रहेगा तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है इन वर्नियर कैलिपर्स टेन डिविजन्स ऑफ इट्स वर्नियर स्केल यानी कि वर्नियर स्केल के कितने डिविजन्स है टेन डिविजन्स आपको यह तो पता होगा कि कोई भी वर्नियर कैलिपर हम लेते हैं उसमें दो टाइप की स्केल आती है एक स्केल होती है मेन स्केल दूसरी होती है वर्नियर स्केल राइट ध्यान देना यह वर्नियर कैलिपर है और ये वर्नियर स्केल है फिर से समझाता हूँ कोई भी वर्नियर कैलीपर आप लेंगे जैसे कि वीडियो नंबर वन आप प्लीज़ देख लीजिएगा बहुत आपको समझ आ जाएगा वर्नियर कैलीपर में मेन स्केल होता है और वर्नियर स्केल होता है मेन स्केल में तो हमारे डिविजन्स वन वन एम एम पे होते हैं या तो कई केसेस में पॉइंट फाइव एम एम डिविजन्स लिए होते हैं राइट डिविजन्स आपको पता होगा कि जैसे अगर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ ये यहाँ पे मैंने ज़ीरो बताया सो so, ऊपर वाला जो मैं लाइन के ऊपर जो मैं ड्रॉ करूँगा उसे अगर मैं मेन स्केल बोलता हूँ तो लाइन के नीचे मैं वर्नियर स्केल ड्रॉ करूँगा सो यहाँ पे देखो ये ज़ीरो से स्टार्ट हुआ दिस इज़ वन एम एम टू एम एम थ्री एम एम फोर एम एम फाइव एम एम सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन टेन डिजन्स मैंने मेन स्केल पे बताया ईयर स्केल पे भी वैसे ही डिविजन्स होते हैं तो यहाँ पे इसमें ऐसा बताया है कि जो मेन स्केल है उसके टेन डिविजन्स मेन स्केल के नाइन डिविजन्स जितने हैं इसका मतलब क्या मेन स्केल के कितने डिविजन्स दिए आपको नाइन डिविजन्स यानी मेन स्केल आप कैलकुलेट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यानी यहां पे आपका वर्नियर स्केल के टेंथ डिवीजन आ जाना चाहिए राइट right? और यहां से हम स्टार्ट करेंगे वर्नियर स्केल का जीरो यानी कि वर्नियर स्केल में जीरो से टेन के बीच में कितने डिविजन्स आएंगे क्योंकि टोटल डिविजन्स कितने हैं वन ईयर स्केल के टेन डिविजन है तो यहां से वन टू थ्री फोर कैलकुलेट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन यानी वन ईयर स्केल के मेरे पास टेन डिविजन्स है और मेन स्केल के मेरे पास नाइन डिविजन्स है और वन ईयर स्केल के टेन डिवीजन्स मेन स्केल के नाइन जितने हैं क्लियर तो आपको क्या फाइंड करना है कि ये जो वन ईयर स्केल मैंने ड्रा वन ईयर कैली जो मैंने ड्रॉ किया उसका लीस्ट काउंट कितना है क्लियर तो लीस्ट काउंट क्या होता है छोटे से छोटा मेजरमेंट आप जो वर्नियर स्केल पे ले लोगे छोटे से छोटा मेजरमेंट आप जो स्केल पे ले सकते हैं उसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं अगर मैं एक सिंपल से स्केल लूंगा जो स्कूल में हम यूज करते थे उसका लिस्ट काउंट आएगा वन एम mm, एम क्योंकि हम वन एम एम से कम उसमें मेजर नहीं कर सकते राइट ये सभी मैंने चीज़ें आपको वीडियो नंबर यानी स्केल का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने समझाया है तो चलिए अभी सॉल्यूशन इसका देखते हैं तो सॉल्यूशन जब हम लिखते हैं तो याद रखना है गिवन डेटा सबसे पहले लिखना है नाउ व्हाट इज गिवन डेटा तो गिवन डेटा में आप देखिए नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल यानी जो टेन दिया है वो क्या लिखेंगे नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल कितने हैं दिया हुआ टेन राइट right? और ये जो नाइन्थ डिवीजन है वो तो नाइन डिवीजन तो मेन स्केल का है ठीक है तो हमें तो जो लीस्ट काउंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है क्योंकि आपको लीस्ट काउंट फाइंड करना है तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पहले लिखते हैं लीस्ट काउंट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ One division on main scale divide by number of divisions, number of divisions on Vernier scale. राइट यानी मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू कितना है यहाँ पे जो दिया है नाइन वो तो नाइन डिविजन्स का नाइन एम mm बनता है बट ये अगर वन आप लोगे डिवीजन यानी ये दो के बीच का डिस्टेंस जो आप लोगे वो कितना आएगा वन एम mm. समझ आ रहा है तो वन एम mm हमारा यहाँ पे वैल्यू ऑफ वन डिवीजन क्या आएगा वन एम एम डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन वन ईयर स्केल तो वन ईयर स्केल पे टोटल डिविजन्स टेन है यानी कि ये वन डिवाइड बाई टेन हो जाएगा और इसका आंसर आपका आ जाएगा जीरो पॉइंट वन यूनिट्स यूनिट्स कब लिखना है यूनिट में जब आपको कुछ ना दिया हो कि वन एम एम है या कुछ भी है मेजरमेंट आपको नहीं दिया उस केस में आप वन यूनिट जीरो पॉइंट वन यूनिट्स लिख सकते हैं या तो आप एम एम भी लिख सकते हैं क्यों बिकॉज यहां पे वैल्यू ऑफ वन डिवीजन हम वन एम mm ले रहे हैं तो यहां पे आप वन भी लिख सकते हैं और डिवाइड बाई टेन करके जीरो पॉइंट वन आपका आंसर आ जाएगा राइट तो देखिए हमने क्या किया है कि लेस काउंट हमने फाइंड आउट किया है राइट ओके इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें आपको थोड़ा और क्लियर होगा तो अभी इसमें तो क्या है ये जो हमने वर्नियर कैलीपर लिया है उसमें वर्नियर स्केल में टेन डिविजन्स है बट ज़रूरी नहीं है कि वर्नियर स्केल में हमेशा टेन डिविजन्स ही हो वर्नियर स्केल में इससे कम डिविजन्स भी हो सकते इससे ज़्यादा डिविजन्स भी हो सकते हैं राइट और दूसरी बात आप देखिए ये जो नाइन लिखा है उसका हमने कोई यूज़ नहीं किया तो याद रखना नाइन यानी कि ये जो मेन स्केल का रीडिंग आता है नाइन उसका लिस्ट काउंट फाइंड करने में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमें तो सिर्फ क्या चाहिए मिनिमम यानी वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल चाहिए बस ठीक है तो चलो एक और एग्जांपल देखते जिससे थोड़ा और क्लियर होगा ओके okay. so example number two if 50 divisions of vernier scale are Equal to forty nine divisions of Main scale calculate least count of वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा आपको एक्स्ट्रा दिया इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले एग्जाम्पल में नहीं देखा था यहां पे क्या दिया है मेन स्केल इज इन मिलीमीटर्स यह आपको एक, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें दी है ठीक है तो ये एग्जाम्पल और इससे पहले वाले एग्जाम्पल में फर्क इतना है कि इसमें आपको फोर्टी नाइन डिविजन्स और यहां पे फिफ्टी डिविजन्स करके आपको दिया है और इसमें वर्नियर स्केल में फिफ्टी डिविजन्स है और इससे पहले वाले क्वेश्चन में वर्नियर स्केल में कितने डिविजन्स थे तो देखो ध्यान से वर्नियर वर्नियर स्केल में सिर्फ टेन डिविजन्स थे राइट यहां पे टेन डिविजन्स थे इसलिए डिवाइड में हमने टेन किया था यहाँ पे फिफ्टी डिविजन्स है यहाँ पे आपको फिफ्टी डिविजन्स दिए सो डिवाइड में भी क्या आएगा फिफ्टी आएगा राइट और यहाँ पे फोर्टी नाइन का कोई यूज़ नहीं है तो चलो देखते हैं सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखने से पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे गिवन so डेटा में आपको क्या लिखना है जो उससे पहले इससे पहले लिखा था नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कितना दिया है फिफ्टी डिविजन राइट यहां पे लिखेंगे फिफ्टी उसके बाद लिस्ट काउंट का आप फॉर्मूला लगाएंगे लिस्ट काउंट इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला है कोई चेंज नहीं है यहां पे लिखा था वैल्यू ऑफ वन डिवीज़न ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑफ वन ईयर स्केल सेम फॉर्मूला मैं यहां पे लिखूंगा वैल्यू ऑफ वन डिवीज़न ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल यहाँ पे वी एस यानी वर्नियर स्केल सो so, हमेशा याद रखना वर्नियर स्केल में वन डिवीज़न का मेजरमेंट वन एम लेना है कब जब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ऐसा ना दिया हो कि मेन स्केल का वन डिवीजन का मेजरमेंट कितना है कई बार ऐसा होता है कि वन डिवीजन का मेजरमेंट दिया होता है कई बार पॉइंट फाइव एम भी दिया होता है तो अगर नहीं दिया है कुछ भी तो फिर आप अपनी मर्जी से इसको वन एम mm लिखो हमेशा नंबर ऑफ डिविजन्स फिफ्टी दिए हैं आपको वही लिखेंगे सो so, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो टू एम एम राइट ये आपका आंसर और कई बार इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकते हैं so, सो आपको याद हो वन एम mm एम यानी कितना मीटर होता है वन एम एम मीन्स टेन डेज टू माइनस थ्री मीटर्स ये कन्वर्जन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा वन एम एम इक्वल्स टू टेन रेस टू माइनस वन मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर सॉरी सो वन एम एम इक्वल्स टू टेन रेस टू माइनस वन सेंटीमीटर हो जाएगा तो अगर आपको दोनों में ये आंसर लिखना है तो आप लिख सकते इसको कन्वर्ट करेंगे इस फैक्टर में तो आप क्या करेंगे जीरो पॉइंट ज़ीरो टू इंटू टेन रेज टू माइनस थ्री करेंगे तो जो भी आंसर कैलकुलेटर में आएगा वो लिखने के बाद आपको कैलकुलेटर में आंसर क्या आएगा वो भी लिख देता हूँ टू इंटू टेन रेज टू माइनस फाइव आएगा वो हो जाएगा मीटर में राइट right? और अगर सेंटीमीटर में करना है तो क्या आएगा जीरो पॉइंट ज़ीरो टू इंटू टेन टू माइनस वन क्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू सेंटीमीटर राइट सो दोनों में मैंने आपको आंसर बता दिया राइट सो ये दो टाइप के क्वेश्चंस डिप्लोमा में बहुत पूछते हैं इसलिए उस पर स्पेशली मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है और अगर थियोरी इसका समझना है अच्छे से तो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वर्नियर कैलिपर आप वो देख लेना उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा और अगर फिर भी कोई डाउट है कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे मुझे आपका प्रॉब्लम लिख सकते हैं राइट थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कोर हाई ऑल द बेस्ट